हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। तो आज के वीडियो में हम डीसा के रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो डीसा के रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको learning.icai.org ये साइट ओपन करना है। जैसे ही आप ये साइट ओपन करोगे, ये आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और लॉगिन के ऊपर आपका जो ICISSP पोर्टल का जो लॉगिन है उसका डिटेल फिल करना है। सो ICI का जो SSP पोर्टल है उसका ID जनरली आपका मेंबरशिप नंबर @ICI.org रहेगा, ठीक है। तो आप अपना SSP पोर्टल का जो भी ID पासवर्ड है वो डाल के लॉगिन करो। सिमिलरली मैं भी लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके इस आपको ये स्क्रीन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे डाउन डाउन जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स। पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स यहाँ पे आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे ही विल आस्क यू फॉर द पेमेंट। तो यहाँ पे आपको 10,000 रुपीज़ का पेमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे बिलिंग एड्रेस जो भी आपका ICISSP पोर्टल पे है वहाँ से ये सिलेक्ट करेगा। तो आपको सेम सिलेक्ट करना है और प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करोगे आपके पास पेमेंट ऑप्शंस दिख जाएंगे। यहाँ से आप कोई भी पेमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI ID, व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो यहाँ पे जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपको एक ऐसा स्क्रीन दिखेगा, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका डीसा का सिलेबस है उसके रिलेटेड कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, वो वीडियोस को आपको गो थ्रू करना है। तो यहाँ पे सारे चैप्टर वाइज आपको वीडियो दिख जाएंगे, ठीक है। तो हर एक वीडियो को आपको देखना है और फिर उसको कंप्लीट करना है, ओके। इंट्रोडक्शन तो यहाँ पे ये सारे वीडियोस आप को देखना पड़ेगा, फिर ही आप इसके जो बैच रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो इसके ये वीडियो को देखने के बाद ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे वीडियो देखने के लिए क्या चाहिए, तो आप इन पूरे वीडियो को सुन सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, वीडियो को प्ले करके उसका जो लास्ट जहाँ पे वो एंड हो रहा है वहां से पहले क्लिक करो और उसको नेक्स्ट पे क्लिक करो, जैसा कि अभी आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आप वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड नहीं हो, बिकॉज क्या ये वीडियो वैसे भी इसके अंदर जो PPT है उसको सिर्फ रीड आउट करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। तो ये मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ हाउ टू कंप्लीट दिस वीडियोस, ठीक है। जो भी आपका कंप्लीशन स्टेटस है वो आपको यहाँ पे राइट हैंड पे दिखता रहेगा। तो वंस इट इज कंप्लीटेड उसके बाद आपको एक ई लर्निंग असेसमेंट टेस्ट देना है। उसमें आपको 30 क्वेश्चन कुछ रहेंगे, उस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है, फिर आपका ये पूरा जो सिलेबस है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वंस यू कंप्लीट दिस उसके बाद आपको आपका बैच रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना है, ठीक है। तो बैच रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे आपको दो कैटेगरी दिखेगी, वन इज़ अ वर्चुअल बैच, वन इज़ अ फिजिकल बैच, ठीक है। अभी जो आपने फीस पेमेंट किया था 10,000, दैट इज़ फॉर वर्चुअल बैच, ठीक है। वर्चुअल बैच का फीस 10,000 है, फॉर फिजिकल बैच द फीस इज 14,000। तो जैसे ही आप फिजिकल बैच को बुक करोगे ही विल आस्क यू टू मेक पेमेंट ऑफ 4,000 रुपीज़। यहाँ पे आप बाय नाउ करेंगे तो पेमेंट करने के बाद जो भी अवेलेबल बैच है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। और अकॉर्डिंगली आप बैच अटेंड कर सकते हो। सिमिलरली वर्चुअल बैच के केस में आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ पे बैच अवेलेबल होगा तो आपको दिख जाएगा और फिर आप वो बैच अटेंड कर सकते हो, ओके। सो हाँ, यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स जो हैं वो अपने लॉगिन पे दिख जाएंगे। सो दैट्स ऑल, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको डीसा के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज थे वो इस वीडियो के बाद आपको नहीं रहेंगी, ठीक है। और मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं पूरा डीसा का सिलेबस और अदर कुछ टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, ओके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।